रांची का रणजीत से ही भारतीय टीम ने पहली बार टेस्ट सीरीज में दक्षिण अफ्रीका का सूपड़ा साफ किया है। 202 रन की जीत के साथ ही भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में 240 अंकों के साथ शीर्ष पर भी बरकरार है। हालांकि भारत की जीत तो निश्चित थी, पर चौथे दिन के खेल में दक्षिण अफ्रीका के आखिरी विकेट को लेकर अजीबोगरीब वाकया देखने को मिला। चौथे दिन जब खेल शुरू हुआ तो भारत जीत से बस दो कदम दूर था। खेल शुरू होने के महज 9 मिनट के अंदर ही भारत ने अफ्रीका की 2 विकेट चटकाकर जीत हासिल कर ली। चौथे दिन के दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर नदीम ने डी ब्रायन का 30 रनों पर काम तमाम कर दिया। अब भारत ऐतिहासिक जीत से महज 1 विकेट ही दूर था। नए बल्लेबाज के रूप में लुंगी एंगिडी का क्रीज पर आगमन हुआ। डेब्यू टेस्ट खेल रहे लोकल बॉय नदीम की गेंद पर एंगिडी ने जोरदार बल्ला घुमाया, जो नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े बल्लेबाज एंड्रिश नॉटजे की ओर जाने लगी। बॉल हेलमेट से जा टकराई और सीधा नदीम की तरफ छिटकी, जिसे स्पिनर ने फुर्ती दिखाते हुए कैच कर लिया। इस तरह से न सिर्फ एक बड़ा हादसा टला, बल्कि भारत को एक विशाल जीत भी नसीब हुई। अगर आपको इस स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली शाइनिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।